उसका महल वकू बहुत ही अहम है। ये बलूचिस्तान की गुजरगाह भी है, ये सूबाए सिंध की गुजरगाह भी है, ये पंजाब का पड़ोस भी है और इस वक्त चीन से लेकर ग्वादर तक बैन अल-अक़वामी शाहराह का गुजरगाह भी है, लेकिन हमारा ख्वाब यह है कि अपनी जुग्राफियाई और महल वकूह की अहमियत के हवाले से का वही हक दिया जाए जो इसका बनता है। किसी जमाने में ये सारी चीजें एक तखय्युल हुआ करती थी। मैं जब 90 की दहाई में यहां के किसी इज्तिमा से बात करता था तो लोगों को एक सराब सा लगता था कि क्यों कर ये और किस तरह ये हकीकत बनेगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पसमानदा इलाका पूरी दुनिया के लिए एक तिजारती सेंटर की हैसियत इख्तियार कर रहा है और अब ये तिजारती और इक्तिसादी लिहाज से जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ गुजरगाह ही नहीं होगा, इंशाअल्लाह इसकी हैसियत अब एक मंजिलगाह की होगी। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यहां तशरीफ लाए, हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया, कुछ पर काम शुरू हुआ, कुछ पर काम शुरू नहीं हो सका, लेकिन बाद में जब हुकूमत बनी उस हुकूमत ने रवा मंसूबों को भी मुअत्तल कर दिया था। तरक्की का काम जैसे पूरे मुल्क में रुका, यहां भी रुक गया था और मुल्क की मईशत तबाही की तरफ चली गई। एक फलसफा दिया कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट का मुतहम्मिल नहीं है, हम तो सिर्फ मीडियम लेवल या माइक्रो लेवल की तिजारत के मुतहम्मिल हैं और यही हमारी तरजीह है। कहां हम सिपेक की शाहराह का सोच रहे थे, कहां हम लिफ्ट कैनाल का सोच रहे थे, कहां हम गुमलजाम और ट्रांकजाम का सोच रहे थे, कहां हम छोटे स्मॉल डैम्स की बात सोच रहे थे और पूरे मुल्क में जगह जगह पर बड़े बड़े मंसूबे शुरू हुए। बाहर मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को एतमाद मिला, उन्होंने सरमायाकारी के लिए पैसा पाकिस्तान वापस भेजना शुरू किया, अपने ही मुल्क में सरमायाकारी में दिलचस्पी लेना शुरू की, बैन अल-अक़वामी बिरादरी ने हम पर एतमाद किया, चीन ने अरबों डॉलर के बड़े बड़े मंसूबे यहां शुरू किए, बिजली की पैदावार में इजाफा किया,
लेकिन तमाम के तमाम मंसूबे जाम हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप अंदाजा लगाएं कि गवादर का समंदर गालिबन एशिया का दूसरा गहरा तरीन समंदर है। इतना गहरा समंदर कि कराची से भी गहरा, ईरान के चाबहार से भी गहरा, बंदर अब्बास से भी गहरा, दुबई से भी गहरा, जद्दा से भी गहरा। इतना जबरदस्त हमारा बहरी बंदरगाह, जब ये बीच में दूसरी हुकूमत आई, आसन इकबाल साहब बेहतर गवाह होंगे उसके कि उसकी गहराई सिर्फ 11 फुट रह गई थी, मिट्टी आकर 8.5। आप अंदाजा लगाएं कि कहां वो कैफियत, कहां तरक्की का वो तसव्वुर, कहां इस बंदरगाह की वो अहमियत, और कहां ये कि 8 और 11 फुट पे हमारे पानी की गहराई रह गई थी। अब उसको दोबारा गहरा करने के लिए काम शुरू है। कहां से कहां हमें पहुंचा दिया गया, और उसके बावजूद भी दावा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बात मैं वाज़ह कर देना चाहता हूं, हमारा जो फाटा का इलाका है जिसका इंतजाम आप हजरात ने किया था, वो इंतजाम भी अब हमें और कबायल को गले पड़ गया है। उस वक्त हमने उनसे एक वादा किया था और एक कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर हमने सालाना 100 अरब रुपए और 10 साल तक हर साल 100 अरब रुपए देने का फैसला किया था। लेकिन आज 5-6 साल गुजर गए, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि अभी हम सिर्फ 100 अरब ही भी पूरे कर चुके हों। लोगों के मकान गिर गए, तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक हम उनको उनके मकानों की बहाली नहीं कर सके। जब से अपने घरों से हिजरत करके मुल्क के अंदर ही वो मुहाजर बने, अभी तक वो अपने घरों को वापस नहीं जा सके। उनके घर इस काबिल नहीं है कि वहां वो रिहायश इख्तियार कर सके। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ख्याल ये था कि वहां सड़कें बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, और सेटल एरिया के लोगों के मियारी जिंदगी पर उनको बराबर लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक ऐसे खत पर वो खड़े हैं कि जहां वो अब ना सेटल के रहे और न ही वो ट्राइबल के रहे। इस सूरत हाल में वहां के अवाम की कस्म पुरसी, उनकी बदहाली, और आज जो हालात वहां दोबारा बन गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, मेरे ख्याल में माजी की निस्बत सूरत हाल और गंभीर हो गई है, और शायद हमारे तरक्की के काम वहां पर अब पता नहीं इन हालात में मुमकिन भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जनाब वज़ीर आज़म, मुझे हैरत हुई, 2 दिन पहले मेरे पास एक वफद आया जंडोले के इलाके का, और उन्होंने कहा कि हम टांग जाम के मुतासरीन हैं, इतनी आबादी आप लोग जेर आब ला रहे हैं, हमसे बात ही नहीं हो रही, हमारा क्या बनेगा, हम किधर जाएंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू के बाद पता चला कि उनको टांग जाम पर एतराज नहीं, लेकिन अगर पुराने नक्शे की बुनियाद पर हो, उसका पूरा नक्शा तब्दील करके
आज की जो नया नक्शा मुतारफ कराया गया है उस हवाले से एक बहुत बड़ी आबादी मुतासर हो रही है। चेयरमैन वापडा से भी हम गुजारिश करते हैं कि इसको रिविजिट करें और वही नक्शा उस तरफ ले जाएं कि जहां डैम भी बन सके, क्योंकि हमारे यहां डैम मल्टीपर्पस है, वहां फ्लड कंट्रोल भी होगा, इरिगेशन भी होगा और पावर जनरेशन भी होगा। इन डैम बनेंगे और हमारे जो अपने इलाके के वसायल हैं, चाहे वो चश्मा राइट बैंक कैनाल है, चाहे वो फर्स्ट लिफ्ट कैनाल है, चाहे वो सेकंड लिफ्ट कैनाल है, चाहे वो स्मॉल डैम्स हैं, नवाब हैदर जाम है, चौदवान जाम है, द्राबण जाम है, टांग जाम है, गोमल जाम है, अगर ये तमाम जो हमारे अपने खित्ते के वसायल हैं वो हमें मुहैया कर दिए जाएं, तो जनाब वजीर आजम आपको इलाका दमान का 12 लाख एकड़ के अराजी हम बारानी से नहरी बनाकर आपको देंगे। जहां आज हम गल्ला बाहर से मंगवाते हैं, इस जमीन के आबाद होने के बाद आपको गल्ला एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रही मुल्क की सियासत, यकीनन आज जो हमारे दोस्त हैं, चाहे गैर मुस्लिम दुनिया हो और चीन उसमें हम सबसे करीब हो, चाहे मुस्लिम दुनिया हो और सऊदी अरब हमें हमारे सबसे करीब हो, आज उनका एतमाद बहाल करने में हमें दिक्कत महसूस हो रही है। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी इमदाद की जरूरत है और बैरूनी इमदाद पाकिस्तान की इस वक्त बका का मसला है, लेकिन हमने बैन अलाक़वामी बिरादरी के एतमाद को इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया कि आज बाहर की दुनिया तो क्या आपके यहां सरमायाकारी करेगी, अपने मुल्क का सरमायादार, अपने मुल्क का कारोबारी तबका, वो अपने मुल्क में सरमायाकारी के बजाय मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहा है, अपना पैसा बाहर मुंतकिल कर रहा है। हमने इस एतमाद को कैसे बहाल करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके बावजूद मुल्क में बेकरारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म आप मुतमैन रहें, जो अनरेस्ट पैदा करना चाहते थे, जो बेकरारी पैदा करके मईशत की तबाही का एजेंडा नामुकम्मल देखकर उसे मुकम्मल करना चाहते थे, वो मायूस हो चुके हैं, वो नाकाम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह नाकामी ही उनका मुस्तकबिल है। पाकिस्तान हमारा है, इसका मुस्तकबिल हमसे वाबस्ता है इंशाअल्लाह, और इस मुल्क की तरक्की की तरफ हम आगे ले जाएंगे। ऐसे अनासर के सियासत का खात्मा करना जिसके पीछे बैन अलाक़वामी वो लॉबीज हों जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन हैं। जनाब वज़ीर आज़म एक तारीखी हकीकत आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूं। इसराइल एक ममलकत के तौर पर पाकिस्तान बनने से एक साल बाद वजूद में आया है और इसराइल के पहले वजीर आजम ने जो अपनी खारजा पॉलिसी का पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने बड़ी सराहत के साथ कहा था कि इसराइल का हदफ यह होगा कि एक कुर्रे अर्ज के खित्ते पर एक नौजायदा मुल्क का खात्मा करना होगा, नौजायदा मुसलमान मुल्क। उस वक्त उनका इशारा वाज़े तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। और क्यों उसने पाकिस्तान को अपना दुश्मन कहा, इसलिए कि जब सन 1940 की करारदाद पास हो रही थी तो जनाब वजीर आजम उस करारदाद में वाज़ह तौर पर फिलिस्तीनियों की बेदखली पर एहतजाज किया गया, फिलिस्तीनियों की हिमायत की गई और वहां पर यहूदियों की और सहयूनियों की नौआबादी को चैलेंज किया गया, उसकी मजम्मत की गई थी। पाकिस्तान ने भी जब अपना तसव्वुर दिया तो उनके बारे में भी अपना नजरिया पेश किया
और जब वहां एक मुल्क भारत वजूद में आया के बारे में वाज़ह नजरिया पेश किया, अगर शैतान मेरे दादा आदम का दुश्मन है और आज भी वो मेरा दोस्त नहीं हो सका और क़यामत तक भी शैतान इसलिए मेरा दोस्त नहीं हुआ कि मेरे दादा का दुश्मन रहा है, तो इसराइल भी कभी पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता और नहीं पाकिस्तान की सरजमीन से उनके लिए खैरख्वाही की बात होनी चाहिए। हमें खुद एतमादी के साथ अपनी पॉलिसी बनानी होंगी। हमें सूद का खात्मा करना होगा। जिस तरह के इकदामात हुए हैं, मैं सिर्फ शुक्रिया ही नहीं बल्कि मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि आज पहली मर्तबा सूद के खिलाफ फैसला हुआ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपीलें अदालत से वापस लेने का फैसला किया ताकि कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो सके। और अब हमारे लिए वो बैंक जो प्राइवेट है और उन्होंने अपीलें की हुई हैं, उनको भी वापस लाने पर उनको आमादा किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, खित्ते में एक बवकार मुल्क बनने की सलाहियत हमने अपने अंदर पैदा कर ली है। उसके लिए गो के हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन हमने जब चैलेंज कबूल किया है तो फिर अल्लाह की मदद हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अपने अहदाफ में हम कामयाब होंगे। तो ये चंद गुजारिशात जो सिपाहनामे में भी आपके सामने पेश की गई, और इरादा तो हमारा ये था कि इस पूरे स्टेडियम में जलसा आम होगा। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त में ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, लेकिन कुछ मौरूजी हालात के पेश नज़र हमें उसको महदूद करना पड़ा। आप तशरीफ लाए, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए और हमारे मुतालबात भी आपने सिपाहनामे में सुने, और मजीद भी हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि हमदर्दाना गौर हमारे मुतालबात पर आप करेंगे। और आपने हमें यह भी कहा था कि मैं बन्नू मुस्तकिल तौर पर जाऊंगा, तो अगर आज यहाँ इस इज्तिमा में बन्नू से कोई साथी नहीं आए या बहुत कम आए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने बन्नू के लिए एक मुस्तकिल सफ़र करने का इंदिया दिया था, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि वहाँ पर भी। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से तिजारती शाहरा गुजर रहा है, सिपैक के माने तिजारती शाहरा। अब जाहिर है कि इस शाहरा के करीब करीब में हमारी पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होने चाहिए, यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क होने चाहिए, और कुछ ज़मीन बन्नू में ख़रीदी गई है, कुछ हमारे डेरा इस्माइल ख़ान में ख़रीदी गई है, और हम ये भी चाहेंगे कि ये एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से भी हमें इकदामात करने होंगे। और एक तरफ हम सड़क के ज़रिए दुनिया में तिजारत को फ़रोग देना चाहेंगे, लेकिन ये खित्ता अगर आपका सिविल एविएशन इसकी इजाज़त देता है, वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें इस पूरे खित्ते में कहाँ पर मुनासिब वो समझते हैं, हमें एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट दें ताकि हम हवा के ज़रिए से भी और फ़ज़ा के ज़रिए से भी तिजारत को फ़रोग दे सकें, वस्त एशिया तक, मशरक़ वस्ता तक, अफ्रीका तक, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बड़ा तिजारती जंक्शन ये इलाका आपको मुहैया करता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुद को पेश करता है। तो इस पसमानदा सरजमीन की वसीउ अरीज़ खित्ते को जो उनकी खिदमात आपके हवाले की जा रही हैं, उम्मीद है आप तहे दिल से उनकी इन खिदमात को कबूल करेंगे और उसकी तरक्की के लिए आप मुआविन साबित होंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।